What a lovely place, na? अंकल वो न्यूज़पेपर दे देना प्लीज थोड़ा टाइम पास हो जाएगा कोई बात नहीं पढ़ लेना अंकल घर पे फोन करके बोलना कि ट्रेन लेट है ठीक है बेटा अपना ध्यान रखना हाँ ओके बाय बाय अंकल Thank you.
मेरा अम्मा बनाती है। எங்க போறீங்க சாமி? எங்க போறீங்க? ஊருக்கு போறேன். இந்த ஊரு உங்களுக்கு? ஆனால எவ்வளவு லேட் பா இந்த வண்டி. என்ன சேர்றியா? आप कौन सी ट्रेन से जा रही हैं? एक ही ट्रेन तो जाती है यहाँ से। आप कहाँ जा रही हैं? यहाँ की तो नहीं लगती आप। कोल्हापुर। कोल्हापुर। मैं तो यहाँ वो कंपनी है ना वहाँ उसके काम से आया था। ये जो बदबू आ रही है ना शुगर फैक्ट्री से, वो पेमेंट वगैरह कलेक्ट करना था। तो फिर पेमेंट मिला? हाँ ऑफ कोर्स मिला। देते कैसे नहीं साले, 3 दिन तक बैठा कर रखा उन्होंने, फिर भी मैंने एक पैसा नहीं छोड़ा। ये लोग ना सब पैसे खाने के लिए बैठे हुए हैं, कमीशन खाते हैं, घूस खाते हैं। ये डायबिटीज होके मर क्यों नहीं जाते? वैसे मेरा नाम करण है और आपका? कैशियर चेक है? ओ सॉरी, वो नाम नहीं, वो पेमेंट कैसे मिला? चेक फुल वाइट। वैसे मेरा नाम नीता है। आपको ये गांव के लोग अजीब से नहीं लगते? क्यों नहीं, मुझे तो बहुत अजीब से लगते हैं। पता नहीं हम शहर वालों के साथ क्या प्रॉब्लम है, हमेशा शक करते रहते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन इस शहर के लोग लड़की ने पुलिस को जानकारी दी है कि उसने किलर को देखा है और वो बहुत ही स्मार्ट है। वो अपनी बातों से लड़कियों को फंसाता है, दोस्ती कर लेता है और बाद में खाने पीने में नशीले पदार्थ मिलाता है, जिससे खाने के बाद लड़कियां बेहोश हो जाती है। हो चुकी है और सबूत के तौर पर सिर्फ एक खाली क्वार्टर बॉटल रम और कॉन्डम का एक खाली पैकेट ही मिला है। पुलिस के हिसाब से सारी हत्या किसी सीरियल किलर ने की है जिसका दिमागी संतुलन बिगड़ा है। सारी हत्या पिछले 5 दिन में हुई है और 50 किलोमीटर के इर्द गिर्द में हुई है, इसलिए जवान लड़कियों को इतला किया जाता है कि अनजान आदमी से बात ना करे और अंधेरे में अकेले ना जाए। ये क्या? दाल वड़ा, उड़ने वड़ा, बोंडा, बनाना फ्राई।
ये क्या वापस? उड़ना वड़ा 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 दो दो ना चटनी उड़ंद वड़ा नहीं 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 चाहिए वो ऑयली है मैं नहीं खाती हाँ हेल्थ कॉन्शियस हाँ गुड गुड वेरी गुड ले लीजिए खाने से फिगर खराब नहीं होगा नहीं अरे लीजिए ना नहीं नहीं लीजिए अरे ले लीजिए ना ये तो बारंगा उकान तोड़ कांगे इधर ना बेरे एफडी उकान तोड़ कांगे बारंगा आप पुणे जा रही है ना मैंने आपसे एक बार कहा कोल्हापुर मैंने चार्ट में देखा आप पुणे जा रही हैं और आपका नाम नीता नहीं टीना है तो मैं भी पुणे जा रहा हूँ और मेरा बर्थ आपके बर्थ के बिल्कुल बगल में 72 S671 ना सही है ना देखिए मैं आपसे बात नहीं करना चाहती अरे मैं तो सोचा बोर हो रही होंगी इसलिए सफर काटने के लिए बात कर रहा था लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई आपने मेरे से झूठ क्यों बोला नेटवर्क नहीं है வாங்க வாங்க போலாம் வண்டி இன்னும் வராது இனிமே இதுதான் டைம் பேஜாரா போச்சு வாங்க முன்னாடி தெரிஞ்சிருந்தா எல்லாம் அப்போ பேசலாம் மாலையும் வேற கொட்டிட்டு இருக்கு आप उधर जाके बैठिए फिर आपसे बात कैसे करूंगा मैंने आपसे एक बार बोला ना मुझे अनजान आदमी से बात नहीं करनी अभी उधर जाके बैठिए अरे ठीक है मैं बात नहीं करता आप बैठ तो सकता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी है आप बैठिए मैं ही वहां जाती हूँ अरे अब बैठिए आप बैठिए मैं जाता हूँ पुलिस को एक और लड़की के शरीर का हिस्सा मिला है पुलिस की जानकारी के मुताबिक इस तरह का यह पांचवा कत्ल है और ये कत्ल चौपर से किया गया है यह एक सीधा साधा शरीर खानसुन दिखने वाला नौजवान है ये पहले लड़की से दोस्ती करता है और उसे बहाने से खाने पीने की चीजों में नशीले पदार्थ मिलाकर खिला देता है इसे खाने से लड़की बेहोश हो जाती है बेहोशी की हालत में वह सियाना खत्म करता है फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर फेंक देता है पुलिस को अभी भी इस काफी की तलाश है
बैटरी खत्म हो गई। एक दिन सबकी बैटरी खत्म हो जाती है। काफी अच्छा मौसम है ना? मेरे को बारिश अच्छी नहीं लगती, बहुत सीरियस नेचर है भाई आपका। ये देखिए, मैं भी कभी हार नहीं मानता। ये देखिए ना, आपको भी ट्राई करना चाहिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। हो गया था तो अंदर से नहीं खुल रहा था। कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, मुझे छूना मत। देखिए मेरे पास ऑइंटमेंट है, आप लगा लीजिए, वरना इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप उधर चले जाओ। अरे चलाओ भाई, अच्छी फिल्म लग रही है। एक्सक्यूज मी टीना, आप मेरे सामान का ख्याल रखेंगे प्लीज?
भगवान, गांव है ये, सब लुटेरे हैं लुटेरे। वो प्लेन चला रहा था कि रिक्शा चला रहा था, कितना भाड़ा लिया उसने? छोड़ो भी, हमारा काम तो हो गया। बेटी तुम्हारा सामान तो ले जाओ, मेरा नहीं है। अच्छा, कोई साथ में होगा। ये रिक्शा वाले की तो, तुम्हें तो आजकल मेरे सिवा सभी अच्छे लगते हैं। कितने प्यार से बात कर रही थी उससे, क्या साला लगता है क्या तुम्हारा? साला कहाँ होगा, देवर होगा ना। ठीक है, देवर बना लो ना, देवर बना लो। ऐसा करो ना, दिलदार बना लो ना, दिलदार। कितना चिल्लाती है तू? मैं डर गई थी ना। चाली नोट देकर सुनार को लूटा, लूटने वाले मध्यवयस्क पति पत्नी फरार। पुलिस को ये भी शक है कि सीधे साधे दिखने वाली ये जोड़ी पति पत्नी नहीं बल्कि चोरी करने वाली जोड़ी है। शक है कि इस आदमी ने और भी जगहों में दूसरे साथी के साथ अपना नाटक रच के धोखाधड़ी की है। इस आदमी के पास एक ग्रे कलर का ब्रीफकेस भी था। ये यहाँ शादी का अरेंजमेंट भी इतना बकवास था ना, इतना सब खर्चा करके यहाँ आए और ऊपर से ये गाड़ी भी लेट। गाड़ी टाइम पे आती ना तो पता चलता, छूट गई होती गाड़ी अब तक। और देखो मेरे रिश्तेदारों के बारे में कुछ मत बोलना, मैं कह देती हूँ। अच्छा, हाँ शुरू हो जाता है आपका। पेपर एक आध पेज मिलेगा क्या? गांव वालों के बारे में छपा है, पढ़ो। तेरी जैसी गधड़ी मैंने नहीं देखी, ठीक से देख, दोनों नाटक कर रहे हैं। याद है हम लोग आए थे तो वो लड़की लड़के का बैग बंद कर रही थी, याद है? हम्म।
जोर भी तो हो सकती है। वो लंबा सा काला सा कीड़ा यहीं पर बैठा हुआ था। किधर? क्या काला सा लंबा सा कीड़ा? तुम झूठ मत बोलो। अरे झूठ क्यों बोलूंगा, यहीं कहीं होगा। तुम मुझे छूना चाहते थे ना? अरे चिल्लाइए मत और फालतू में लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश मत करिए। अगली बार अगर मुझसे बात करने की कोशिश की ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। हाँ पुलिस एक कीड़े के लिए आएंगे। उसको पता है? देखा, मैंने बोला था ना हमारे देखते ही अब दोनों एक्टिंग करने लगे हैं। देखा हा? कभी होता है क्या? और ऐसा होता तो मैं घर थोड़ी जाता। वैसे मेरा क्वार्टर इधर पास में ही है, इसीलिए मैं कभी भी वापस आ सकता हूँ। तो यार रात में स्टेशन पे कोई नहीं होता क्या? नहीं, वैसे एक आरपीएफ वाला रहता है, लेकिन तुम इधर से कहीं बाहर मत जाना। What can I do for you? आपकी गाड़ी छूट गई है ना? मेरी भी। No problem. चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। क्या चाहिए? मैडम? नहीं। The train from Tenmela to Pune is late by 24 hours. साला पागल। Please don't come late. The late comers are not allowed. The station is very strict. Mind it. Sorry. Ticket. Ticket, ticket. सॉरी, आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। वो क्या है कि पहले लोग प्लेटफॉर्म टिकट लेकर इधर आकर सो जाते थे, तो ऐसे ही थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया है। तो लो, सॉरी। कुछ दिन पहले ना पास के स्टेशन पे एक लड़की का खून हो गया था, वो भी रेप करके मारा था। हाँ रेप, वो टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। टिकट मैडम जी। हेलो मैडम जी, आपका टिकट ले लो। अच्छा तो आप दोनों एक ही जगह जा रहे हैं पूना? ये लो। अरे बाप, यहाँ बारिश में हमेशा ऐसा ही होता है, इसीलिए ये हमेशा इधर रहता है। इसे बुझाना मत, लाइट आने पर भी जलने देना। बार बार जाता रहता है लाइट। टॉयलेट हो क्या करूं? नहीं, सब में लेके जाता हूं। तुम सोती रहती हो, कोई उठा ले गया तो?
पर मेरा है। आप लोग कहां से आ रहे हैं? करीम नगर। आप दोनों कहां जा रहे हो? हम दोनों पुणे जा रहे हैं। पुणे? ये जो भी अंदर गए आपके पति हैं क्या? हाँ? क्या मतलब? दो मिनट मिलने की इशारा करके बुला लिया उसको। क्या पूछ रहा था वो? क्या पूछ रही थी? है? कुछ नहीं, वो पूछ रहा था कि तुम लोग कहाँ से आ रहे हो, तो मैंने बता दिया। अब इसने क्या गलत किया? वो ये पूछ रही थी कि हम दोनों कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने बता दिया हम दोनों पुणे जा रहे हैं। हम दोनों? तो मुझे पूछना चाहिए था ना उसको। तुमने बताया तो नहीं ना हम लोग किस लिए आए। मेरी मति मारी गई है क्या? क्या उबर हो सकते रात? आप ही छोड़ नहीं सकते। चुप। कहीं पे भी कुछ भी बोलती रहती। चुप रहे। सुनो, आपका शक सही है, दोनों साथ में है। मैं कभी गलत हो सकता हूं क्या? जाना। दूसरा वो लड़की के ले रहा तो काम करना अपना। कितना हुआ? 4 रुपए। चाय लीजिए। अरे ले लीजिए, ये मौसम में अच्छा रहेगा। मैं चाय नहीं पीती। फिर झूठ, मैंने आपको चाय पीते हुए देखा है। क्या हुआ? ले लीजिए, बाद में नहीं मिलेगा। आपने मुझे प्यार से कभी कुछ लाके दिया है? एक कप चाय भी नहीं।
अरे इतना सब कुछ रिस्क उठा के कर रहा हूँ, वो किसके लिए कर रहा हूँ? आया शक्कर का मैं हो गया शुरू। ये भगवान, का हिस्सा बरामद हुआ है। तेमला और नजदीकी इलाकों में हो रहे लड़कियों के कत्ल का ये छठा केस है। ये कत्ल भी बलात्कार करने के बाद चौपर से ही किया गया है। मौके वारदात से पुलिस को कत्ल के कई सबूत मिले हैं। बस स्टैंड और मिले हुए सबूतों के अनुसार जारी किए गए कातिल के स्केच हम आपको अभी दिखा रहे हैं। ए! तूने टीवी ऑफ किया? अरे सिग्नल इतना खराब है, फालतू का न्यूज है, हेडेक हो रहा है। मैं सब समझती हूँ, तूने क्यों ऑफ किया? हाँ ठीक है, लगता है दोनों हमारे जैसे हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं। अभी से ऐसा तो पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। तुमको उससे क्या है? करने दो ना उनको जो करना है। तुम अपना खाना निकालो। खाने में कुछ मिलेगा? हाँ। क्या अंदर? हाँ। चिकन? हाँ। अच्छा है? हाँ। चिकन, हाफ चिकन पैक्ड। ये भी चाहिए। कितना हुआ पैसे? 30 रुपया। 30 रुपीस। हाँ, नहीं पक्का।
पता नहीं कैसी जगह, इतनी दूर तक जाना पड़ा। हिंदुस्तान में अगर चाइनीज नहीं होते ना, पता नहीं रात का खाना कहां से मिलता। साला झूठ बोल रहा है, इधर कोई चाइनीज वाइनीज की दुकान नहीं है, दारू वाली दुकान से लेके आए ये। आप भी गए होंगे कभी उधर। पागल, मैं कभी ऐसी वैसी जगह जाता हूँ क्या? वड़ा नहीं खाओगे? हाँ। ट्रेन में तुम्हें चाहिए क्या? देखा, लड़की अपनी तरह है, क्या जरूरत थी चिकन मटन खाने वाले के साथ भाग जाने की? छी, ये पक्का उसी दुकान से लाए। आप भी ना, वो दोनों साथ में ही हैं। हाँ मालूम है ना, आपने वो फेंका कि नहीं? नहीं अभी है, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है, कुछ अजीब है इधर, मैं जरा बाहर जाके देखता हूँ, पास कोई होटल लेके देखता हूँ मैं। கடை அடைச்சு
एक भी एसटीडी बूथ नहीं है। वो फिसल गया था बाहर। क्या हुआ? वो स्टेशन मास्टर बोल रहा है कि यहाँ पास में कोई होटल नहीं है। साइलेंस प्लीज। कहाँ से? सॉरी मैम, देखिए मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। दिस प्लेस इज नॉट सेफ फॉर यू। लड़का कहाँ है? यह जगह ठीक नहीं है। डोंट वरी, मैं आपको छोड़ देता हूँ कहीं भी। क्या कर रही हैं मैडम? कौन था? कुछ नहीं, पागल हो गया, सो जा। तुम लोग दोनों साथ में नहीं हो क्या? तो फिर जब हम अंदर आए तो तू इसका बैग क्यों खोल रही थी? क्या आवाज सुनाई दिया इधर से?
कुछ नहीं है वो। कुछ तो है, खोलो इसको। शादी हो गया? फिर तो जरूर रखना चाहिए। परमिट है इसको रखने का? ठीक है, बंद करो इसको। साहब, आपने बाकी लोगों का चेक नहीं किया? तेरे बोलने के बाद चेक करूंगा क्या? निकल निकल, टिकट दिखा। साहब, वो पहले दिखाया था ना, में कितने शरीफ लगते हैं। शुक्रिया। पिछले 3 दिनों से इसको ढूंढ रहा था यार, ड्यूटी, साला ड्यूटी से हटने का टाइम ही नहीं मिलता यार। थैंक यू, हाँ थैंक यू। मैं जरा अंदर हो के आता हूँ। आप अंदर नहीं जा सकते। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं जा सकता मैं अंदर? मैंने कहा आप अंदर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। अरे क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं जाऊंगा, उसके बाद तुम जाओ, क्या प्रॉब्लम क्या है? मुझे नहीं जाना, आप ही नहीं जा सकते, कोई नहीं जा सकता अंदर।
चल। अभी कोई नाटक नहीं समझा ना? क्या है? क्या आ रही हो पीछे? अरे पकड़ ना। पकड़। हिलाना तो सीधा सीधा चला देना, समझा? इधर। चल जाएगा। लेट जा नीचे, लेट जा, चल चल। तो बंदूक लेके चल रहा है, अगर दुकान लूट सकता है तो खून भी कर सकता है। वो पुलिस वाला भी कैसा बेवकूफ है, एक आदमी बंदूक लेके चल रहा है और उसको चेक नहीं किया। कुछ भी हो इस बुड्ढे को बता देता हूँ वरना मैं फंस जाऊंगा। रुक जाओ, आगे नहीं आना। देखिए मेरी बात, उधर बैठो, आगे नहीं बढ़ना। सुना नहीं तुमने? बोला ना उधर बैठो। क्या हुआ? चलो जाओ उधर। मैं कुछ, जाओ उधर। तुम लोग सो जाओ, सो जाओ तुम लोग। उसको भी सुना। हाँ, हाँ, हाँ। बेटी सो जाओ। अगर यहां से भाग जाऊं तो फिर भी पकड़ा ही जाऊंगा। अगर लड़की को बता दूं तो इसको इनके बारे में कुछ नहीं मालूम।
क्या है? वो लड़का जो वो वेटिंग रूम में बैठा है ना, वही सीरियल किलर है। कौन? वो? हाँ। वो अरे वापस क्यों आया? मैंने आपको बताया ना, तू मुझे मारने आया था ना। मैंने आपको बताया ना, इसके पास हथियार है। अरे कौन सा बैग और कौन सा हथियार यार? मैं कब से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको? क्या बताना चाहता है तू? ज़्यादा शाना बन रहा है तू? ये क्या है? मुझे नहीं मालूम, आपने समझ के फाड़ दिया। मुझे सब मालूम है, मैं अभी पुलिस को बुला के लाती हूँ। रुको बेटी, रुको रुको, पुलिस के पास मत जाओ बेटी। वैसे भी वो पुलिस वाला अच्छा आदमी नहीं है, खामखा ट्रेन छूट जाएगी। हाँ, हम रोक लेंगे सबको, रोक लेंगे। आओ बेटी। एक मिनट, बुलाओ ना पुलिस को, बुलाओ। मैं डरता नहीं हूँ। क्या तो डरता है? मैंने कहा था ना आपसे, हम लोग वापस जाएंगे। कैसे जाएंगे? यहाँ से कुछ है क्या जाने के लिए? और भाई ट्रेन भी मिस हो जाएगी ना। सुनो सुनो, डरने की जरूरत नहीं, ये है ना मेरे पास, क्या पुलिस की क्या जरूरत है? देखा, हथियार इनके पास है, इनको पूछे कहां से आया रिवॉल्वर। लाइसेंस है हमारे पास। हाँ, समझाना, इसलिए लेके घूमते हम लोग। मुझे तो शक है ये पति पत्नी है कि भी नहीं। ए, तू बहुत बोल रहा है, क्या बोल रहा है तू? बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, चल बाहर जा, तू बाहर जा, बाहर जा यहां से, चल बाहर, देखता क्या है, चल तू, चल देखता क्या है, चल। मैं क्यों मर जाऊं? मेरे पास वैलिड टिकट है। टिकट ना, अभी तू ट्रेन में दिखाना, अभी चल। तो
कौन है? किधर जा रहा है? क्या है? वो एक फोन करना था। उधर कोई फोन बूथ नहीं है, जाओ वेटिंग रूम में जाकर बैठो। न जाना आज वो आरपीए फल अभी कहाँ चला गया। रुक जाओ एक मिनट, ये सूटकेस किसका है? मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो पूछ रहा था कहाँ देखा है। अच्छा है, जाओ। हेलो, क्या कि आप लोग गलत समझ रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया। क्या कर रहा था ये? क्या तू इधर कैसे आया अंदर? अरे उस स्टेशन मास्टर ने बोला। आप लोग जो समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। हम सब समझते हैं, स्टेशन मास्टर है ही नहीं। अरे है, वो उधर है ना। वो हो सकता है, होगा होगा, ठीक है, लेकिन तू क्यों है इधर? अरे दरवाजा खटखटा रही थी इसलिए मैं आया, खुल नहीं पा रहा था। नहीं कुछ गड़बड़ जरूर, कुछ गड़बड़ बहुत गड़बड़ कर रहा है तू, बहुत तकलीफ दे रहा है। तू जाके बैठ जा उधर, चल, बहुत तकलीफ दे रहा है, जाओ उधर बैठ जा। अब तुम लोग बैठो इधर। अभी इधर
बोल, ये सूटकेस तेरा है ना? ये मुझे भी अपना शिकार बनाना चाहता था। साहब, इसने हम सबको डरा के रखा था। हाँ, मैं भी बहुत डर गई थी। हाँ, मैंने भी देखा, ये बैग लेकर भाग रहा था। सच बता, तेरा है ना ये? अरे ये मेरा नहीं है। झूठ बोलता है। मेरा है, मैं कब से इसे ढूंढ रहा हूं। तुमने क्यों लिया? ले जाओ इसे। सुना मत, पास मत आना। बच्चे को ले जाओ, वो किलर स्टेशन के पास ही है। चलो। अगर मैंने ये सूटकेस अभी भी बाहर नहीं फेंका तो सूटकेस तुम्हारा क्या है? सार हो रही हूँ अल्लाह रे अड्रेस अड़तू जब खून हुआ तो आप क्या कर रहे थे? क्या हुआ इधर बताइए। मैं सोया हुआ था, पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, फिर मैंने देखा कि ये पुलिस वाला मरा पड़ा है, उसके हाथ में पिस्टल है, बस इतना ही। आप क्या कर रहे थे? जैसे नोन बोला वैसे ही सर। तुम्हारा चेहरा बोलता है, तुम्हें सब कुछ पता है। नारायण, इसके हाथ का निशान ले लो, अभी सब कुछ पता चल जाएगा। सब यही है, रख को आया था दुकान में। बॉडी पोस्टमार्टम नहीं क्या? बेटा रो मत, इसने मेरे पापा को मारा। इसको भी ले जाओ, और उंगली का निशान इसके ऊपर भी होगा। तुम अभी नहीं जा सकते, तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा। बाकी लोगों को जाने दो। साहब, जब मैंने टॉयलेट के अंदर सूटकेस खोला तो देखा कि कटी हुई लाश थी। बाहर आया तो मेरा पर्स भी गायब था। सारे सबूत मेरे खिलाफ थे साहब, और तो और अखबार में भी खूनी का डिस्क्रिप्शन बिल्कुल मेरे जैसा था।
इनको बताने की कोशिश की साहब, पर ये सुन ही नहीं रहे थे। तो मुझे लगा कि एक ही रास्ता है कि ये सूटकेस उठाकर बाहर फेंक देता हूं, पर ये कर ही रहा था कि अचानक किधर जा रहा सूटकेस लेकर? सब ये मेरा नहीं है साहब। तो फिर लिया क्यों? किसी का भी हो, कुछ भी हो, खोल के दिखा। तू कहां लेके कहां जा रहा इसको? चल खोल के दिखा, चल। मुझे पहले ही शक था तू कुछ चुतियापा करेगा, इसलिए मैंने सोचा चक्कर काट के आता हूं। चल 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 चल। किसी का पड़ा था, मुझे नहीं मालूम किसका था साहब। तो फिर डरता क्यों है? अभी कभी पता चल जाएगा ना, घबराता क्यों तू? सब मेरी बिल्कुल गलती नहीं है, मैं बस डर गया था। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? ये कौन था पता है? यही वो खूनी था जिसकी हमें तलाश थी। बहुत तकलीफ दे रहा था हम लोगों को, तुमने हमारा काम किया है। वैसे मेरे को पता था किलर कौन है, लेकिन मुझे जानना था तुमने ये कैसे किया। थैंक्स एंड बेस्ट विशेस। जो हुआ वो ठीक है। ध्यान दीजिए, चेंगोटे से पुणे की ओर जाने वाली 631 पुणे एक्सप्रेस 10 मिनट के अंदर प्लेटफॉर्म में आने की संभावना है। पुणे एक्सप्रेस फ्रॉम चेंगोटे टू पुणे विल बी अराइविंग इन 10 मिनट्स। देखा, शक एक बार दिमाग में बैठ जाता है तो क्या क्या होता है। चल अब तो ट्रेन भी आ रही है। चलती हूँ, बाय। चलते हैं। आई एम सॉरी, कल रात मैं गलत सोच रहा था तुम्हारे बारे में। अरे नहीं नहीं, मैं भी तो आपके बारे में होता है। मैं अपने ज्वेलरी के बिजनेस के लिए रिवॉल्वर रखता हूँ सेफ्टी के लिए। तुम कौन से सेफ्टी के लिए वो रखते हो? ये लो। अजी चलिए, गाड़ी आ रही है। हाँ आ रहा हूँ। चलिए चलिए बस, शादी के कुछ साल बाद यही रह जाता है।